बेटा आहान, कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर? क्या पूछ रहे हो मम्मी तुम इससे? इस एक्साइटमेंट में तो पूरी रात सोया नहीं है। बस यहाँ आने से 2 घंटे पहले सो गया था और अब तुमने इसे उठा भी दिया। भाई आज आहान के फेवरेट मटर पनीर बनाने चाहिए। हमारा नया घर, पता नहीं मैंने कहीं देखा तो नहीं है, पर फिर भी देखा देखा से लग रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा। पसंद आया तुम्हें तुम्हारा सपनों का घर? और आहन बेटा, नया घर कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है मॉम। मॉम में से तो सब कुछ बहुत पसंद आया, सिवाय मेरे साथ रूम शेयर करने के। अरे ज्यादा लंबे समय की बात नहीं, जो पुराने ओनर है ना, उन्होंने मुझे बताया था जो दूसरे रूम में सामान पड़ा है वो 1 महीने में निकाल लेंगे। डैड मैं तो थोड़ी मस्ती कर रहा था भाई के साथ। अच्छा उनके रूम में किस किस तरह के सामान पड़े? अरे यही डेली यूज का सामान ही तो होगा, पर हाँ भूल के भी उनके रूम में मत चले जाना, उन्होंने खास करके मुझे यही बताया। परेशान मत हो। किस बात पर? टाइम के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर जाओगे, इस घर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। अच्छा हो आप सोया जाए। भाई इस रूम से बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही थी। कैसी आवाज है? कुछ भी तो नहीं है यार, ये सब तुम पढ़ाई से बचने के लिए कर रहे हो ना? नहीं सच में इस रूम से बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही थी। कोई आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी शायद, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। चलो अब आप थोड़ा वॉक करके आते हैं। नहीं पर वो आवाज कुछ नहीं, आओ छोड़ो भाई अब तो रात भी काफी। अरे चलो कुछ नहीं हो। यहाँ कितनी शांति है ना। वैसे थैंक्स भाई। इसलिए तुम जानते हो किसी भी। चलो मैं थोड़ा आगे से वॉक करके आता हूँ, तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम्हारा बिल्कुल पन गया वो। नहीं सही से नहीं, रात काफी हो गई थी और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हाँ, मगर उनकी एज तकरीबन 25 से 30 साल की रही होगी। काफी नहीं है, फिर लोग इस एज ग्रुप के एसटी सिटर्स को सॉर्टलिस्ट करते हैं, लेकिन काफी मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल से क्या मतलब आपका? आहान तुमने कोई मेडिसिन ली? सॉरी ऑफिसर, अभी बहुत ही ज्यादा परेशान है। हमने आपकी लैंडलाइन को रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया है, अगर प्रिंसन से रिलेटेड कोई भी कॉल्स आती है हमें तुरंत खबर हो जाएगी। जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके बेटे के बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तब तक आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा हम लोगों के साथ।
भाई कौन थे वो लोग और 14 दिनों तक तुम्हें कहाँ लेके गए थे? आहान, इसे पिछले 14 दिनों का कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर का कहना है इसे डिसोसिएटिव एमनीजिया हो गया है। इसे मेमोरी गैप भी कहते हैं। अब इसे खुद कुछ याद आए तो सही। तुम्हें पता भाई हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। पूरे 14 दिनों तक सब कितने परेशान और डरे हुए थे। सॉरी मेरी वजह से तुम्हें मॉम को और डैड को इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। किस बात की सॉरी? तुम जिन सिचुएशन से गुजरे हो वो तुम सोच भी नहीं सकते। भाई मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि वी ऑल लव यू ऑलवेज। मैंने अपना बर्थडे तो पिछले महीने चलो अब सो जाओ और कभी का गुड नाइट। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं बस मेडिसिन ले रहा था। अरे हाँ मॉम ने नूडल्स बनाए चलो खाया जाए। भाई कल रात तुम कहाँ गए थे? कौन मैं? नहीं तो हम दोनों साथ ही तो सोए थे रात को। डोर खुलने की आवाज़ सुनी थी मैंने और तुम बेड पर भी नहीं थे। कुछ भी मैं तुम्हारे साथ ही सोया था। चलो मैं निकलता हूँ मुझे लेट हो रहा है। भाई तुम्हारा पैर, तुमने भी राइट पैर स्लिम किया ना? आहन ये सब मजाक करने का समय है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। डे ड्रीमिंग भी चालू कर दी तुमने? क्या हुआ आहन? सब ठीक है ना आहन? आहन मैंने तुम्हें रात फॉलो किया था पर तुमने तुमने मुझे फॉलो किया था पर हम दोनों तो रात को साथ में ही सो गए थे। कोई सपना अपना नहीं था, सब कुछ बिल्कुल रियल था। और कौन हो तुम? मेरा भाई कहाँ है? क्या बोले जा रहे हो तुम? फॉलो किया था पेन वेन ये सब तुम्हारा बुरा सपना है और कुछ नहीं है। आहन तुमने अपनी मेडिसिन ली कि नहीं? शांत हो जाओ जस्ट चिल, घबराओ बिल्कुल नहीं, वो सब सिर्फ तुम्हारा सपना था। मेडिसिन ले लो सब ठीक हो जाएगा। मॉम मुझे युवान के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हुआ तुम दोनों ने फिर से झगड़ा कर लिया क्या? वो मेरा भाई नहीं है वो कोई और है।
ठीक है सुनो, तुम अकेले उसके पीछे मत करना। मैं ये सारी बात तुम्हारे पापा को बताती हूँ, वो रहेंगे आज से तुम्हारे साथ। पर तुम जो कह रहे हो, सच में युवन ऐसा बिहेवियर कर रहा है? सच में मॉम, वो हमारा भाई नहीं है, वो कोई और है। मेरा भाई हो ही नहीं सकता। उस कमीने को शक हो गया आगे युवन को लेकर। क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया है, उसे सब मालूम चल गया। लिम वाली बातें, रात को बाहर जाने वाली बात, इनफैक्ट उसे मारने की कोशिश करना, सब कुछ पता चल गया उसको। अब उस कमीने का कुछ जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अब हमें अपने प्लान को बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ज्यादा लेट करना ठीक नहीं है। वो कर क्या रहा अभी? सोया है। लगता कोई था अभी, तुम देख के आओगी वो कमीना कर क्या रहा है। तो तुम्हारा ये कहना है उन्होंने तुम्हें कई दिनों से अपने घर पर कैफेटी बना के रखा और तुम्हें मालूम नहीं, और वो तुम्हें मारना भी चाहते थे? सर मैं नहीं जानता वो लोग कौन है, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, वो मेरी फैमिली है भी या नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूँ सर वो कौन है वो लोग। और तुम्हारी उम्र कितनी है? सर 21। तुम्हें मालूम है कौन सा सन चल रहा है? 1999। वो सामने देख, ये 1999 नहीं 2019 चल रहा है, और तेरी उम्र 21 साल नहीं 41 है। बाहर निकलो, कहाँ हो तुम सब? बाहर आओ। कौन हो तुम लोग? क्या बस यही जानना चाहते हो तुम? मुझे तो लगता है कि तुम और भी बहुत कुछ जानना चाहोगे। तुम लोगों ने मेरे साथ किया क्या है? 20 साल पहले 1999 में 28 नवंबर को इसी घर के इसी रूम में एक माँ और उसकी बेटी को बेरहमी से मारा गया था। मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने ही मारा है जब तुम टॉर्चर किए जा रहे थे, जब भी तुम यही कह रहे थे, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, और विक्टिम की फैमिली चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर एक एक्सपर्ट हिप्नोटिक्स को इन्वॉल्व किया गया। तुम्हें डिसोसिएटिव एमनेसिया है, इसमें ब्रेन खराब यादों को मिटा देता है। वो मर्डर इतना ब्रूटल था कि उस रात की सारी यादें हमारे ब्रेन ने एरेज कर दी। उसने हमने तुमको हिप्नोटाइज करा जिससे कि हम हमारे पुरानी यादों को वापस ला सकें।
फोन इस इंसिडेंट को रिएक्ट करने का पूरा प्लान बनाया गया। सब कुछ प्री प्लान था, मेरा किडनैपिंग, तुम्हारा मेडिसिन लेना, और तुम जब हिप्नोसिस से स्लिप होने लगे और तुम सस्पिशियस हो गए। तुम्हारे से ये मर्डर कबूल करवाने के लिए ये सब किया गया है, जबकि एज अ लेडी होकर मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है। मैंने किसी को नहीं मारा है। तुम्हारा फिर भी मुझे मां बनना पड़ा। तुमने एक बच्ची और औरत को इतनी बुरी तरह से कैसे मारा और क्यों? मैंने नहीं मारा किसी को भी, मैंने किसी को नहीं मारा। भाई के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी सर। जी सर, कुछ भी मदद हो पाती तो। जी सर, नहीं नहीं, मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा सर। हेलो हेलो, हेलो जी, डॉक्टर चटवानी सर, पैसे का रिमन जल्द से जल्द हो जाएगा। नहीं डॉक्टर, थोड़ा और टाइम लगेगा। हेलो, तुम्हें 5 लाख रुपए की जरूरत है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? एक फैमिली है जिसमें एक लेडी और 2 बच्चे हैं, बस उस लेडी को मारना है। और याद रखना, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये काम आज रात ही करना है। एड्रेस नोट करो। और हाँ, चाबी घर के बाहर कॉर्नर पर होगी। कौन हो तुम? करने के बाद में तुम्हें इतना सब कैसे पता? हेलो हेलो, के लिए ये सब किया था, और मैंने अपने बच्चों और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, मैं अपनी वाइफ के इंश्योरेंस के पैसे से उनका फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ। लेकिन तुमने तुमने मेरी बेटी को मार डाला। लाइफ इज अ बिच, बहुत हुआ, अब इसे खत्म किया जाए। इस विक्टिम की फैमिली कहाँ है? क्यों? इसे कहना मैं मरना डिजर्व करता हूँ, ये बात उनको बता देना। तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई? क्यों मारा था तुमने उन लोगों को? किसने कहा था तुमसे मारने के लिए? बोलो, उसके हस्बैंड ने करवाया था ना ये सब? मुझे कुछ साल पहले ही पता चला था, उसकी वाइफ के नाम पर बहुत सारा इंश्योरेंस था, और उसके पति ने ये सब इंश्योरेंस के पैसों के लिए करा था। वो बच्चा जिसे तुमने उस रात नहीं मारा था, भीख मांगो उस बच्चे के सामने। आज उस बच्चे को सच जानना है। बताओ, क्यों मारा था तुमने उन लोगों को? बताओ, मेरे बाप ने करवाया था ना ये सब? नहीं, वो सब मैंने किया था चोरी करने के लिए, मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या लगता है
मैं वो इंश्योरेंस वाली बात को कोइंसिडेंस मान लूंगा। हैव अ गुड लाइफ आहन।